बार लाइव के न्यूज रूम में बहुत स्वागत हमारे दर्शकों का। और आज विशेष रूप से हम बात करेंगे अलीराजपुर और झाबुआ की राजनीतिक हलचल की, विशेष रूप से राजनीतिक हलचल। इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ में उपस्थित हैं झाबुआ लाइव के चीफ एडिटर चंद्रमान सिंह भदौरिया जी, दिग्विजय सिंह जी का अलीराजपुर झाबुआ दौरा, उसके बाद में दीपक बाबरिया जो प्रदेश प्रभारी है कांग्रेस के वो झाबुआ आए, और अब प्रदेश अध्यक्ष कल शाम झाबुआ पहुंच रहे हैं। क्या जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है? देखिए मनीष जी, जो विधानसभा चुनाव 2018 है वो काफ़ी अहम है, खासकर बीजेपी के लिए, क्योंकि 2019 हर तरीके से बीजेपी जीतना चाहती है, तो 2018 सेमीफाइनल है और आदिवासी इलाकों पर उनका खास फोकस है। कांग्रेस भी फोकस कर रही है, हमने देखा दीपक बावरिया जी आए, उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से वन टू वन चर्चा की, और कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों पार्टियों की केंद्र में झाबुआ अलीराजपुर है, इसलिए ये वीआईपी दौरे शुरू हो गए हैं। महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन इसमें फिर भी सीधे हमारे दर्शकों को हम लिए चलते हैं उस खास मुद्दे की तरफ, जिसको लेके लगातार खासकर झाबुआ की तीनों विधानसभाओं को लेके बहुत उत्सुक है दर्शक और बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं। झाबुआ लाइव के माध्यम से दीपक बावरिया झाबुआ पहुंचे प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कही कि कांग्रेस जो है आने वाले समय में कांग्रेस के जो सीएम होंगे मध्य प्रदेश के, वो कमलनाथ या सिंधिया में से कोई एक होंगे। उस पूरे दिन वो झाबुआ की M2 होटल में रहे, गेस्ट हाउस में भी रहे, हमने देखा कि कई नेता एक तरह शक्ति प्रदर्शन के रूप में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। तो झाबुआ की तीनों विधानसभाओं में किन प्रमुख नेताओं को आप देखते हैं कि वो दौड़ में है? देखिए, आपने जो पहली बात कही कि उन्होंने तय कर दिया कि कमलनाथ या सिंधिया में से कोई एक मुख्यमंत्री होगा, दरअसल ये कांग्रेस की मजबूरी है, क्योंकि दिग्विजय सिंह को वो आइसोलेट नहीं कर पा रही है और दिग्विजय सिंह एक फैक्टर बने हुए हैं, और बीजेपी लगातार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके के 10 जनपद में दिग्विजय सिंह के रिश्ते हैं, संभव हो दिग्विजय चुनाव जीतने के बाद अगर कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो दिग्विजय सिंह कहीं ना कहीं 10 जनपद से अपने रिश्ते का फायदा उठाकर कांग्रेस के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बीजेपी ये जनता को डराने की कोशिश कर रही है, और कांग्रेस को ये लगता है कि अगर ये जनता में ये भ्रम बना रहा तो उनको नुकसान हो सकता है, और यही वजह है कि बार बार खुद दिग्विजय सिंह, खुद कमलनाथ, और अब देखिए दीपक बावरिया ने ये चीज़ स्पष्ट कर दी कि दिग्विजय सिंह कम से कम मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और दो नामों ने इसलिए लिए क्योंकि दोनों के एक अपने अपने समर्थक हैं, और दोनों को दोनों समर्थक पूरी तरीके से प्राण से लग जाएं कांग्रेस के लिए, इसलिए उन्होंने ये नाम फेंका। दूसरी जो चीज़ आपने कही कि जो तीनों विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया, दीपक बावरिया राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और उनको लगता है कि टिकट वितरण में दीपक बावरिया की काफ़ी कुछ चलेगी या उनकी सुनी जाएगी, उनके सामने ये शक्ति प्रदर्शन जरूरी था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब तीनों विधानसभा की हम बात करें तो झाबुआ को लेकर सबसे ज़्यादा गहमा गहमी रही। जेवियर मीणा ने बताते हैं खुल के विरोध किया कि वे डॉक्टर विक्रांत भुरिया को नहीं चाहते हैं, और बाकी जो 5-7 दावेदार हैं, चाहे कलावती भुरिया हों, शंकर भुरिया हों, या काना गुंडिया हों, कैलाश डामोर हैं, उनमें से किसी को भी दे दिया जाए, लेकिन डॉक्टर विक्रांत भुरिया को न दिया जाए, ये कैंपेनिंग, ये फोकस रहा जेवियर मीणा का। थानला की हम बात करें तो वीर सिंह भुरिया, गेंद्राल डामोर, राजेश डामोर, एक और राजेश डामोर, चैन सिंह, जसवंत भावर, इन सब ने अपनी दावेदारी पेश की और अपने समर्थकों के साथ ये लोग आए थे। अब टिकट किसे मिलना है ये भविष्य की बात है, लेकिन यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करने से नहीं चुके। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्थिति पेटलावद में है, क्योंकि पेटलावद में कलावती भुरिया भी क्लेम कर चुकी हैं पहले, हालांकि बीच में उन्होंने जोबट का इशारा कर दिया। वाल सिंह मीणा पूर्व विधायक हैं, सबे सिंह हैं, रूप सिंह डामोर हैं, अकमान वालू हैं, कलावती गहलोत हैं, वहाँ पे करीबन 9 से 10 उम्मीदवार हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। इसमें मेरा महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न है कि बहुत अपने पिछले कई राजनीतिक हलचलों में लगातार आप लिखते रहे हैं, अच्छी समझ है आपको राजनीति की, खासकर इस जिले की हम बात करें। मैं चाहूँगा कि अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहें कि किस क्रम में तीनों विधानसभा में उम्मीदवार को हम रखें, तीन नाम अगर झाबुआ के लें, 1-2-3, या थानला के लें, पेटलावद के, तो क्या क्रम देखते हैं आप इस समय? देखिए, झाबुआ से हम शुरुआत करें तो झाबुआ में मेरा निजी तौर पे मेरा मानना है कि बीते 5-7 सालों में डॉक्टर विक्रांत भुरिया ने तेजी से मेहनत की है, उन्होंने दिल्ली से लेके भोपाल तक अच्छे रिश्ते बनाए हैं, और उन रिश्तों का परिणाम आप देखिए कि डॉक्टर विक्रांत भुरिया को स्टेट लेवल की 2 कमेटी में हिस्सेदारी मिली है, कल जो सूची आई है इंदौर संभाग की चुनाव प्रबंधन समिति में, उसमें भी उनको जगह मिली है।
कांतिलाल भुरिया के बेटे हैं, बड़ा नाम है, एजुकेटेड हैं, इसलिए मुझे लगता है कि पहले नंबर पर उनकी दावेदारी है। दूसरे नंबर पर हम जेवियर मीणा को रख सकते हैं। तीसरे नंबर पर हम ये मान सकते हैं कि कहीं कुछ ऐसा मामला बिगड़ गया तो हो सकता है कलावती भुरिया का भी यहाँ पे किस्मत चमक जाए। तो सीरियल वाइज ये तीन उम्मीदवार मुझे झाबुआ में ठोस लगते हैं। आपने थानला की पूछी तो थानला में मुझे लगता है कि वीर सिंह भुरिया एक अच्छा नाम है, स्थापित नाम है और कहीं कोई विवाद नहीं है, सरल छवि मानी जाती है, इसलिए उनका नाम पहले नंबर पर हम रख सकते हैं। दूसरे नंबर पर युवा हैं यशवंत भाभर, उनका नाम भी हम रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप देखिए कि चैन सिंह भी हैं, राजेश डामर भी हैं और भी तीन चार उम्मीदवार हैं, तो इनको हम इनमें से किसी एक को तीसरे नंबर पर रख सकते हैं। पेटलावद की हम बात करें तो मुझे लगता है कि वाल सिंह मीणा जिस तरीके से सिंधिया जी से अपने रिश्ते उन्होंने बनाए हैं, भुरिया जी से उनके लगातार संवाद और सब कुछ चालू है, तो वाल सिंह मीणा दाव मार सकते हैं। उसके बाद रूप सिंह भी कोशिश कर रहे हैं जो पूर्व मंत्री के बेटे हैं, लेकिन रूप सिंह डामर को अभी पेटलावद क्षेत्र में कवर करना बाकी है, वो रामा के आसपास अपनी अप्रोच बनाए हुए हैं। तो आप दर्शकों को लिए चलते हैं अलीराजपुर, जिसको लेके भी एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है जो अलीराजपुर लाइव से बहुत ज्यादा स्नेह रखता है, उनके लिए भी हम हमारी चर्चा प्रारंभ करेंगे। अलीराजपुर की जो राजनीति है इस समय, जो सत्ता है वो भाजपा के हाथ में, महेश पटेल लगातार चुनाव लड़े। हम बात करें सबसे पहले अगर जोबट विधानसभा की, तो जोबट विधानसभा को हमारे झाबुआ लाइव को दिए गए खास इंटरव्यू में कलावती भुरिया ने इस बात को कहा कि वो जोबट से लड़ेंगी, इसको लेके बहुत ज़्यादा हलचल तेज हो गई कांग्रेस के वहाँ नेताओं में। और लगातार एक इंटरव्यू आपने माधव सिंह डाबर का लिया, उसमें भी आप बहुत सारी बातें निकल के आई। जोबट विधानसभा में कांग्रेस से कौन? देखिए, कलावती भुरिया ने स्पष्ट कहा है कि वो जोबट में लड़ने को लेकर ज़्यादा इच्छुक हैं। हालांकि उन्होंने पेटलावद, झाबुआ और जोबट तीनों जगह से अपना क्लेम किया हुआ था, जब आज से तीन महीने पहले जब कांग्रेस ने आवेदन लिए थे उन्होंने तीनों जगह आवेदन किया था। हाल की जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है कि कलावती भुरिया ज़्यादा फोकस जोबट पर कर रही हैं। न सिर्फ हमें इंटरव्यू में उन्होंने कहा, बल्कि कल हमने देखा कि उन्होंने सभा में पहुंची थी, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक ले ली, मतदाता सूचियों का वो शुरू कर दिया। उनका कॉन्फिडेंस जोबट को लेकर काफ़ी ज़्यादा है। सूत्र बताते हैं कि कहीं ऊपर से मुझे इशारा है, उसके बाद वो शायद वहाँ पहुँची हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो कलावती भुरिया हैं जोबट की सबसे मजबूत दावेदार हैं। टिकट पार्टी को तय करना है, हमें तय नहीं करना है, लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं वो बता रही है कि कलावती भुरिया सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट है। दूसरे नंबर पे हम देखें तो सुलोचना रावत या विशाल रावत का नंबर आता है। अगर कलावती भुरिया को टिकट नहीं मिला किसी भी कारण के चलते, तो सुलोचना रावत या विशाल में से किसी एक को मिल जाएगा। विशाल रावत पिछले चुनाव हार चुके हैं और सुलोचना रावत की उम्मीद ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं को टिकट को लेकर कांग्रेस फोकस कर रही है, बीजेपी फोकस कर रही है, इसलिए संभव है कि सुलोचना रावत वहाँ पर दूसरे नंबर पर, अगर कलावती को टिकट नहीं मिलता तो उनका नंबर लग सकता है। कमरू अजनार लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो ब्लॉक कांग्रेस उदयगढ़ के अध्यक्ष हैं और अभी शायद सुना है कि बगला मुखी मंदिर में उन्होंने कोई यज्ञ अनुष्ठान भी करवाया। उस दिन भी बड़े कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे थे वो झाबुआ मिलने के लिए। उनका आक्रोश है कि जिस तरीके से वहाँ पे सीनियर नेताओं को रावत परिवार के खिलाफ घेरा गया, शिकायतें की गई, विरोध दर्ज कराया गया, तो कहीं ना कहीं एक संवाद की जरूरत है सुलोचना रावत और उनके परिवार को, कि जो रूठे कार्यकर्ता हैं उनको मनाए अपने पक्ष में करे, तब कहीं जाके उनकी उम्मीद बन सकती है। तो चलिए दर्शकों, चलते हैं हम अलीराजपुर। अलीराजपुर में समय नागर सिंह भाजपा की ओर से विधायक हैं और वहाँ पे जो कांग्रेस है लगातार पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा, जैसे नगर पालिका में कांग्रेस ने बड़ी रोमांचक स्थिति में वापसी की, वहाँ पे कांग्रेस की संभावना क्या अलीराजपुर में देखते हैं और कौन वो तीन उम्मीदवार हो सकते हैं अगर एक दो तीन के क्रम में हम रखें तो अलीराजपुर से? देखिए, महेश पटेल 2008 और 2013 में, 2003 और 2013 में चुनाव हार चुके हैं। 2013 में उनकी पत्नी सेना पटेल पर पार्टी ने दाव लगाया था, लेकिन वो भी चुनाव हार गई। तो अब एक कांग्रेस का बड़ा धड़ा ये मांग कर रहा है कि इस परिवार से हट के टिकट दिया जाए। सरदार सिंह पटेल उस धड़े का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी कोशिश है शंकर बामनिया के नाम की, कि शंकर बामनिया को टिकट दिया जाए। शमशेर सिंह पटेल, शंकर बामनिया, सरदार सिंह पटेल, राजेंद्र पटेल, ये चार ऐसे नाम हैं जो पटेल परिवार का विरोध कर रहे हैं।
लेकिन एक विकल्प निकल के आता है मुकेश पटेल का। अगर महेश पटेल और सेना पटेल को आप इस आधार पर खारिज करना चाहते हैं कि ये तीन बार दोनों मिलकर हार चुके हैं, तो इसी परिवार के मुकेश पटेल हैं जिनके काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं और सबसे कद्दावर नेता हैं, उनकी गांव गांव फली फली में पकड़ है, बीजेपी आरएसएस के लोगों से भी निजी संबंध अच्छे हैं। दो कमजोरियां हैं उनकी, पहली ये कि शायद वो भाषण नहीं दे पाते हैं और दूसरा ये कि ऊपर जो मैनेजमेंट होता है भोपाल दिल्ली का, शायद उसमें वो अभी तक नाकाम है। इन दोनों फैक्टर पर अगर वो काम करेंगे तो अगले भी समय है वो दावेदार हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी पहले नंबर पर आप बात करेंगे तो पटेल परिवार का विकल्प अभी भी नहीं है, क्योंकि बाकी जो लोग हैं इतने बड़े नाम नहीं हैं। पहले नंबर पे हम मान सकते हैं कि महेश पटेल या सेना पटेल में से किसी एक को टिकट मिलेगा, दूसरे नंबर पे मैं मुकेश पटेल को रखना चाहूँगा और तीसरे नंबर पे कहीं किस्मत चली तो फिर शंकर मामनिया का नाम आ सकता है। बात करें अगर हम खासकर झाबुआ अलीराजपुर में कांग्रेस की जो राजनीति है उसकी, तो पूरी जो राजनीति है कांतिलाल भूरिया के इर्द गिर्द घूमती है। इस पूरे टिकट वितरण में कांतिलाल भूरिया की भूमिका किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांतिलाल भूरिया जी का ये संसदीय क्षेत्र है रतलाम, और संसदीय क्षेत्र में खासकर उनके जो दोनों ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं झाबुआ अलीराजपुर, उसमें उनकी राय तो बेहद महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पे जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है जो अंतिम मोहर टिकट के लिए लगाएगी, उसके पहले एक बार कांतिलाल भूरिया से राय जरूर ली जाएगी। अब उनके सामने धर्म संकट है कि उनके परिवार के दो लोग टिकट चाह रहे हैं इस पांच सीटों में से, इसलिए उन दो को अगर टिकट मिल गया तो हो सकता है बाकी तीन पे उनकी सलाह उतनी मायने न रखे, ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हमारी आज की रही, जिसमें खासकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण सीटों पर हमने फोकस किया, खासकर अलीराजपुर और झाबुआ की। हम अगले हमारा जो भाग होगा इस एपिसोड का, उसमें भाजपा की राजनीतिक हलचल आपके लिए लेके आएंगे। आप लगातार हमको देख रहे हैं, देखते रहिए अलीराजपुर झाबुआ लाइव।